कर्नाटक सरकार ने प्रथम कर्नाटक मराठा अभिवृद्धि निगम की स्थापना कर उसको मुझे पहला अध्यक्ष बनाया है, उसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कटील जी और पूरे दूसरे पदाधिकारी जी और हमारे जिले के एमपी और केंद्र के मंत्री श्रीमान भगवंत खोबा जी, हमारे पुष्कलैंड के शासक शरणु सलगर जी, ये सभी लोगों ने मुझे सहकार किया, इसलिए उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी दिन की डिमांड थी समाज की, और उस समाज की डिमांड छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के दिन पूरा किए। आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय A3 भोसले कलेक्शन एंड मॉडर्न्स मेंस पार्लर। उस दिन वो निगम का स्थापना हुआ, ये बहुत ही एक सुंदर मौका मुझे मिला है। बस है क्या अभी बोलना? हाँ, बोर्ड है। हाँ, वो बोर्ड क्या काम करेगा ये जो निगम है? निगम समाज के, मराठा समाज के जो लोग हैं उनके मदद के लिए हैं। अब हम उसको स्कीम्स बनाएंगे, स्कीम के 4-5 एरिया होंगे, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट है, यूथ एम्प्लॉयमेंट है, महिला का है, गर्ल्स एजुकेशन है, किसानों के लिए गंगा कल्याण है, स्प्रिंकलर है, और अनएम्प्लॉयड लोगों को लोन देने के लिए, पूरा लोन नहीं भी दे सके कम से कम इंटरेस्ट कंपोनेंट हम बेयर करने का, ऐसे स्कीम सृष्टि करने का, स्कीम बनाने का है। स्कीम बनाकर उस स्कीम के तहत जो भी एलिजिबल हैं उनको हम उस स्कीम में लाएंगे। नहीं, बसों कल्याण के लोगों को, मराठा समाज को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो मराठा निगम की स्थापना यहाँ से हुई बसों कल्याण से, और बसों कल्याण बाई इलेक्शन में हमने जो भी डिमांड किए थे वो डिमांड में पहली डिमांड यही थी, एक डिमांड पूरी हुई है। अभी 5-6 डिमांड हैं, वो भी 100% पूरी हो जाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए ये निगम बनाने के लिए बसों कल्याण की जनता ही उसको एक रीजनिंग है। बाई इलेक्शन में हमने जो भारतीय जनता पार्टी को मदद की उसका परिणाम यह है कि आज निगम बना है। इसलिए मैं तमाम जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह से आपने डिमांड की थी कि इसके अंदर ये भी डिमांड थी कि 2A मराठा समाज को करने के लिए, तो क्या इस डिमांड को भी आगे गवर्नमेंट के सामने रखेंगे? 2A भी, उसको लिए भी कोशिश हो रही है, लेकिन वो कोर्ट में गया है मामला, महाराष्ट्र का रिजोल्यूशन का कोर्ट में जाने की वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। आज के तारीख में जब मुश्किल की बात है, कोर्ट का जजमेंट की राह देख रहे हैं, उसके बाद कैटेगरी चेंज करने का, कास्ट सेंसस, कास्ट का वर्गीकरण करने का, क्लासिफिकेशन, ये सब काम होना है। वो सब काम होने के बाद ये भी हो जाएगा, हमको पूरा विश्वास है कि ये डिमांड भी पूरी होगी। नहीं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू, पार्क, एक कल्याण मंडप और शिवसृष्टि, ये बनाने का भी ये हमारे बाई इलेक्शन में का ही डिमांड है। वो डिमांड की पूर्ति के लिए आज गवर्नमेंट ने उसको 8 एकड़ ज़मीन अलॉट की है, आगे उसका भी काम चालू हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पूरे डिमांड, एक एक डिमांड पूरे होते जा रहे हैं, इसलिए पूरे के पूरे हम जितना डिमांड किए थे वो पूरे डिमांड स्टेप बाय स्टेप फेज वाइज पूरे पूरा होंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है।